एवरीवन, मैं हूं पलक और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन में बॉलीवुड की गलियारों में क्या क्या चीज रही खास और किन किन बातों ने बटोरी सुर्खियां। मेड इन चाइना का हुआ ट्रेलर रिलीज। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म मेड इन चाइना का फाइनली ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जब से ये ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हुआ है तब से ऑडियंस और फैंस की एक्साइटमेंट यहाँ मतलब बहुत ही हाई हो चुकी है। जी हाँ, इसमें राजकुमार राव एक बडिंग एंटरप्रेन्योर की कहानी को दर्शाते हुए नजर आएंगे एंड ही इज डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू द रोल। जो भी छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं ना एक बडिंग एंटरप्रेन्योर के रोल के लिए, राजकुमार राव उसमें बिल्कुल फिट हो रहे हैं। और उनकी गुजराती, मतलब इसके बारे में तो मुझे मेंशन करने की शायद जरूरत ही नहीं है। काई पोचे के बाद ये उनकी सेकेंड गुजराती फिल्म है और उस पर ये बिल्कुल सही कंप्लीट जस्टिस कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मौनी रॉय की, जो कि मतलब बिल्कुल ही हटके और बिंदास अंदाज में नजर आ रही हैं इस फिल्म में। बुमान ईरानी को मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जो एक सेक्सोलॉजिस्ट के किरदार में नजर आ रहे हैं। एंड परेश रावल, मतलब मुझे नहीं लगता आज से पहले परेश रावल कभी भी किसी भी फिल्म में इतने स्मार्ट रोल में नजर आए हैं। ऑल इन ऑल ये ट्रेलर लोगों की एक्साइटमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा चुका है और अभी देखना होगा इसके बारे में और भी डिटेल्स जब सामने आएंगी तो मैं आपके लिए वो पक्का लेकर आऊंगी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर को कर दिया है सेंसर बोर्ड ने पास, वो भी यूए सर्टिफिकेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी होने वाली है और आपको बता दूं इसको पूरे 155 मिनट्स का प्ले टाइम मिला है। इसी के साथ ये 155 मिनट्स ऑफ एक्शन, धमाका, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप, वॉर, ड्रामा, रोमांस, मतलब एवरीथिंग पैक्ड इन अ सिंगल मूवी। वॉर के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे जरूर बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द नजर आने वाले हैं 1995 की सुपरहिट आइकॉनिक फिल्म कोली नंबर 1 के रीमेक में। आपको बता दूं 11 सितंबर को हो गया है इस फिल्म के सेट पे बहुत बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के सेट पर अचानक ही आग लग गई जिसके वजह से करीब 2 से 2.5 करोड़ के लाइटिंग इक्विपमेंट्स खराब हो चुके हैं। आपको बता दूं इस वजह से ये जितना भी इतना बड़ा लॉस हुआ है ये सारा का सारा इस फिल्म के मेकर्स को अब बियर करना पड़ेगा। बट हाँ, अच्छी बात ये है कि इस सेट्स पर कोई भी मौजूद नहीं था, नो कास्ट नो क्रू, जिसकी वजह से कोई भी जान हानि तो नहीं हुई है। बट ये जो लाइटिंग इक्विपमेंट्स का नुकसान हुआ है ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है इस मूवी को लेकर। सलमान खान और साजिद नाजियातवाला हो गए हैं रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा से खफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं जैसा आपको पता ही होगा कि संदीप रेड्डी वांगा बहुत जल्द एक मूवी बनाने वाले हैं जिसमें वो रणबीर कपूर को कास्ट करने वाले हैं और इस मूवी का टाइटल होने वाला था डेविल। बट आप तो जानते हैं कि किक में सलमान खान अपने कैरेक्टर को डेविल बुलाते थे। अभी साजिद नाजियातवाला अगर किक का अपना सीक्वल बनाते हैं यानी किक 2 बनाते हैं तो उसका टेंटेटिव टाइटल डेविल इज बैक होने वाला था। अब अगर इस तरह से 2 मूवीज एक ही टाइम पर एक ही टाइटल के साथ लॉन्च होती हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है जिसके चलते भाईजान हो गए हैं रणबीर कपूर से खफा। रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर को कर दिया है सेंसर बोर्ड ने पास, वो भी यूए सर्टिफिकेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी होने वाली है और आपको बता दूं इसको पूरे 155 मिनट्स का प्ले टाइम मिला है। इसी के साथ ये 155 मिनट्स ऑफ एक्शन, धमाका, गुरु शिष्य का रिलेशनशिप, वॉर, ड्रामा, रोमांस, मतलब एवरीथिंग पैक्ड इन अ सिंगल मूवी। वॉर के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे जरूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। KGF के
डायरेक्टर प्रशांत नील अभी तो KGF 2 पर काम कर रहे हैं, पर दोस्तों क्या आपको ये पता है कि वो बहुत जल्द हमारे साउथ के फेवरेट सुपरस्टार महेश बाबू के साथ एक मूवी करते नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रशांत नील के ऑफिस में आजकल बहुत बार महेश बाबू को स्पॉट किया गया है। और जब हमने इस बारे में थोड़ी पता लगाया तो हमें ये बात पता चली कि प्रशांत नील ने एक मूवी ऑफर की है महेश बाबू को, और महेश बाबू ने अभी इस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं किया है, बट हाँ उन्होंने इस मूवी में इंटरेस्ट जरूर दिखाया है। अब अगर इस तरह की कोई मूवी आती है प्रशांत नील जैसे महान डायरेक्टर की और जिसमें महेश बाबू जैसे पैन इंडिया हार्टथ्रॉब नजर आएंगे, तो आई एम श्योर इस मूवी की एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा ऊपर होने वाली है। और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, पर उनसे ज्यादा जो एक्साइटेड है वो है टाइगर श्रॉफ के पापा यानी जैकी श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, जग्गू दादा ने मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया है कि वो कितने खुश हैं कि ऋतिक रोशन के मेंटोरशिप के अंदर टाइगर श्रॉफ ये मूवी कर रहे हैं। हियर गोस द क्लिप। किंग अंकल की शूटिंग कर रहा था, राकेश रोशन जी डायरेक्टर्स थे, हम गोवा में थे, असिस्टेंट डायरेक्टर ऋतिक बाबा था, तो ऋतिक मेरे टाइगर 4 साल का 5 साल का था, तो उसके साथ खेलता था, उसको उसका ध्यान भी देता था, मुझे भी डायलॉग समझाता था, तो अब उसका गुरु ही हो गया एक हिसाब से, कि वो जो छोटा बच्चा था जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो सर पे हाथ फिराया घुमाया, उसके साथ काम करने का मौका मिला। मेरे लिए तो बहुत बड़ा नसीब है कि इतने बड़े स्टार के साथ मेरा बच्चा काम कर रहा है, और जिसको गुरु मानता है उसी के साथ काम मिला है। और लगता है कि सबकी दुआएं आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, शुक्र है। टाइगर टिप है, कुछ टिप की बात नहीं करते हम, कुछ क्या टिप दो बच्चे को, जो लिखा है नसीब में है मिलेगा। बाकी एक्साइटेड अगर बच्चा का एग्जाम है और रिजल्ट आने वाला है तो एक्साइटमेंट हो तो रहता ही है, बड़े तेरा भी होगा ना, तेरे भी पास हुआ ना। मैं चाहूँगा कि दिख जाए, और जब खुदा न करे जाने के बाद वो एक मेमोरी रह जाए पर्दे पर के बाप और बेटा। थैंक यू डार्लिंग। दोस्तों हमें ये तो पता ही है कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मूवी बॉर बहुत जल्द आने वाली है। अभी इनके प्रमोशन के दिन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच एक टी शर्ट वॉर शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी ऋतिक रोशन रिसेंटली एक टी शर्ट पहने नजर आए जिसपे टाइगर श्रॉफ की फिल्म फ्लाइंग जट से एक सीन प्रिंटेड था और उस पर लिखा हुआ था फ्लाइंग अवे फ्रॉम दिस वॉल ऑलरेडी। और इसी चीज को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यानी इस टी शर्ट का रिप्लाई देते हुए टाइगर श्रॉफ भी अभी रिसेंटली एक टी शर्ट पहने नजर आए जिसपे ऋतिक की फिल्म क्रिश का एक पोस्टर प्रिंटेड था एंड उस पर लिखा था हाइडिंग योर फियर्स बिहाइंड द मास्क। वैसे इन दोनों के पीछे जो टी शर्ट वॉर चल रही है ना, ये मीम्स जो है ये हम लोग को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और ये बहुत अलग टाइप का प्रमोशन टैक्टिक यूज कर रहे हैं ये फिल्म अपने आप को प्रमोट करने के लिए। छिछोरे के एक्सट्रीम सफलता के बाद नितेश तिवारी बिल्कुल तैयार है अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी 600 करोड़ की प्रोजेक्ट होने वाली है। बात हो रही है रामायण की। चलिए अभी इससे जुड़ी हुई जो सबसे लेटेस्ट खबर सुर्खियों में आई है वो आपको बता देती हूँ। रामायण के लिए जो राम का रोल है उसके लिए कंसिडर किया जा रहा है ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को। जी हाँ, उनके ऑपोजिट सीता का रोल प्ले करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है दीपिका पादुकोण को। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है राम सीता तो हो गए, लेकिन रामायण तो रावण के बिना अधूरी है, तो रावण का रोल प्ले करने के लिए कौन से एक्टर को कंसिडर किया जाएगा? आपको बता दूं, अभी अगर लेटेस्ट सोर्सेस की माने तो हमारे साहो सुपरस्टार प्रभास को रावण के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। अब प्रभास की पर्सनालिटी को तो आप जानते ही है, कितने ज्यादा मैजेस्टिक पर्सनालिटी है, तो आई एम श्योर वो रावण के रोल के लिए परफेक्ट सूट करेंगे। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग
अपकमिंग फिल्म वॉर को लेकर जो एक्साइटमेंट पहले यहाँ थी, अब दिन बर दिन वो बढ़ते हुए यहाँ आ चुकी है और अब बहुत जल्द ही वो एक्साइटमेंट इधर आने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ये दोनों एक्सट्रीम डांसर्स यानी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, हमें पता है कि ये दोनों कितने अच्छे डांसर्स हैं, अब इन दोनों एक्सट्रीम डांसर्स के बीच में एक फेस ऑफ राउंड भी देखने को मिलेगा फिल्म वॉर में। अब हमें इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ उस गाने का जिसपे ये दोनों महान डांसर्स डांस करते हुए नजर आएंगे, और आई एम श्योर कि वो होने वाला है बीट सॉन्ग ऑफ द ईयर, है ना दोस्तों? आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।